वेल well, तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू तो 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूंगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon Prime Video पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय की वेल well, तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू तो 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकी श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉरर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज़ भी दी हैं अगर हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय की वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू तो 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैतरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉरर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज़ भी दी हैं अगर हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय की वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू तो 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की, की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चडा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉरर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon Prime Video पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय की वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू तो 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चडा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग थ्री डी जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon Prime Video पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिए वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन सेवेंटी टू तो एट्टी परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मर्तबा, एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चडा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon Prime Video पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिए वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू तो 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चडा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon Prime Video पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिए वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू तो 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट तो अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चडा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज ही रखी गई है फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon Prime Video पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू तो 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट तो अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चडा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज़ भी दी हैं अगर हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय की वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू तो 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हां बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चडा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है फाइव पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon Prime Video पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिए वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू तो 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चडा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग की गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज़ भी दी हैं अगर हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय की वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हां बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्योरेन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज़ भी दी हैं अगर हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय की वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हां बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग He yep. gave तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्योरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग थ्री डी जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon Prime Video पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन सेवेंटी टू एट्टी परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मर्तबा, एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग

तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्योरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग थ्री डी जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिए वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मर्तबा, एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई एम डी बी रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्योरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon Prime Video पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिए वेल well, तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हां बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट तो अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग की गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्योरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon Prime Video पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिए वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मर्तबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग की गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्योरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon Prime Video पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिए वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हां बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉटेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग की गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्योरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon Prime Video पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिए वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हां बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉटेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग की गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज़ भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय की वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हां बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ़ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉटेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग की गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम डोरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज़ भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय की वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हां बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शीबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉटेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग की गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूंगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज़ भी दी हैं अगर हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय की वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हां बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉटेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग

तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूंगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज़ भी दी हैं अगर हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय की वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मर्तबा, एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हाँ बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैतरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शीबा चड्डा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉटेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग

तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और मूवी की टाइम ड्योरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्योरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग थ्री डी जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिए वेल तो जी अगर आप लोग भी हॉरर एलिमेंट देखना पसंद करते हैं बट ना सिर्फ हॉरर एलिमेंट बल्कि आप लोगों को कॉमेडी भी पसंद है तो आप लोग ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही जाते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं उनमें ज़्यादातर मूवीज़ तकरीबन 70 टू 80 परसेंट मूवीज़ में हमें कॉमेडी भी डेफ़िनेटली देखने को मिल जाती है हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज़ के अंदर बट अगर आप लोग अभी जो है वो इस तरह की मूवीज़ देख चुके हैं आप लोगों को अभी और मूवीज़ देखनी है बट देखनी भी आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इस मूवी को जी हां बॉलीवुड की तरफ से आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसका नेम है जी फोन भूत तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे तो देखने को मिल जाते हैं बट अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कैतरीना कैफ देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पुलकित सम्राट शिबा चडा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जगकि श्रॉफ वरुण शर्मा और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ से आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग पर तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग की गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है बहुत ही एवरेज सी रखी गई है 5.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आई रेटिंग के बाद गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को सिक्सटी तक गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहीं पर हम आगे बढ़ लेते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिल जाती है एंड हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है अगर हम आगे बढ़े एंड बात कर लें इस मूवी की मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो दो घंटे के राउंड अबाउट रखी गई है एंड इतनी टाइम ड्योरेशन आई थिंक हर एक मूवी की होनी चाहिए क्योंकि एक मूवी डिजर्व करती है कि वो आप लोगों को दो घंटे तक बांध कर रखे और ये मूवी वो काम कर जाती है हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी जो है वो अच्छा काम नहीं करती बट फिर भी स्टिल मैं बोलूंगा कि यार आप लोगों का चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुरमीत सिंह ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में वट द फिश वार्निंग वार्निंग थ्री जैसी मूवीज भी दी हैं अगर हम बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिल अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय की